कल शाम को ही ये एकदम से बात मीडिया के तरफ से हमें पता चला भी जो फोर्थ अक्यूज है उस हाई प्रोफाइल किलिंग का बॉम्बे वाली का, वो ही बिलोंग्स टू अवर एरिया। फिर वो यहाँ पे एक शंकर गांव है, पास ही में पड़ता है नकोदर सब डिवीजन का, नकोदर सदर पुलिस स्टेशन का गांव है, वहाँ का वो रहने वाला है। तो बट जो हमने अभी अपना रिकॉर्ड चेक किया है कल का, उससे पता चला है ये जो लड़का है इसकी तकरीबन 21 साल की उम्र है, 2003 बॉर्न है, और ये पहले महाराष्ट्र में ही रहते थे। बट इसने 6th क्लास ऑनवर्ड यहाँ से 4 साल पढ़ाई यहाँ तक की है, 6 से 10 तक शंकर में। और उसके बाद 2021 में इसने पहला क्राइम किया, वहाँ पे इस पे केस रजिस्टर हुआ। हमारे यहाँ पे रूरल में 4 केस हैं इसके ऊपर, ऑर्गेनाइज क्राइम, लूटिंग वगैरह के, गाड़ी गुड़ी को इसने छीन ली। और इसके अलावा बाहर भी तरन तारण में, फरीदकोट में, तो इसके ऊपर और भी केस रजिस्टर हैं। टोटल 9 केसेस इसके खिलाफ रजिस्टर हैं, और हमारे साथ मुंबई पुलिस ने कॉन्टेक्ट किया हुआ है। वी आर ऑन द सेम पेज, हम अपना जो भी पॉसिबल असिस्टेंस है हमारी तरफ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी फैमिली क्या करती है, कुछ उसके बारे में जानकारी है? इसका एक भाई है इसके बड़ा, वो थोड़ा सा मतलब सिंपल है, ही इज सिंपल। एंड इसका बाप है जो टाइलें लगाने का बड़ा अच्छा मिस्त्री है, जो टाइल्स लगाते हैं लोगों के घरों में। ये पहले इसी काम के लिए यहाँ आए थे और उसके बाद यहीं सेटल हो गए। तो क्या मुंबई पुलिस के साथ मिलकर कोई छापेमारी भी की जा रही हाँ है? जी हाँ, हमने उनको प्रॉपर असिस्टेंस दी है, जो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जो हमारे पास था इसका भी, कोई इसके साथ वाले कौन से हैं और कॉन्टेक्ट्स कौन से हैं, आई डाउट्स कहाँ कहाँ पे, हमने सारा हम चेक कर रहे हैं और प्रॉपरली हम सारा उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बट 2022 में जब ये जेल चला गया, उसके बाद ये जेल में ही रहा, पहले कपूरथला फिर पटियाला, और अभी ये जेल से जब छूट के आया तो उसके बाद मेरा ख्याल 7वें महीने में इसकी बेल हुई है, पर यहाँ पे गांव में देखा नहीं गया। अब हमने चेक करवाया था, यहाँ पे ये नहीं आया, बट अब जिसके जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम इसको ढूंढ रहे हैं।